पोलिंग दा इख्तिताम। पोलिंग खत्म होने तो 5 मिनट पहला प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग स्टेशन दे अंदर ते बाहर दी हदूद विच बा आवाज़े बुलंद पोलिंग दे खात्मे दा ऐलान करन। वक्त खत्म होने तो बाद यकीनी बनान कि पोलिंग स्टेशन दी हदूद विच मौजूद सारे वोटर्स अपना वोट पा सकन। अलबत्ता पोलिंग दे वक्त दे खात्मे ते मजीद वोटरां नूं अंदर आन ते वोट पाण दी इजाजत नहीं होवेगी। वोटिंग दा टाइम खत्म होने तो बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग स्टाफ पोलिंग एजेंट्स उम्मीदवारां या मुजाज मुबसरीन तो अलावा किसी नूं भी अंदर ना आन देन। हर एक पोलिंग बूथ विच आखिरी वोट पड़न तो बाद बैलेट बॉक्सां नूं पंजवीं सील लाकर बंद कर देन। वोटां दी गिनती दे दौरान हर उम्मीदवार दा सिर्फ एक एजेंट कार्रवाई दा मुशाहिदा कर सकता है। पोलिंग स्टेशन ते वोटां दी गिनती दा इनाकाद गिनती विच शामिल दुरुस्त यानी वैलिड वोट। ओ बैलेट पेपर जिहड़े गिनती विच शामिल कीते जांदे ने उन्हां दी तफसील ऐ है। जिन्हां ते ज़्यादा रोशनाई लगण ते गलत तय कीते जाण दी वजह तों सयाही किसी दूजे उम्मीदवार दे निशान ते लग जाए लेकिन एक उम्मीदवार दे निशान ते वाज़े होवे, 9 खाने वाली मोर दो उम्मीदवारां दे निशानां दे दरमियान लगी होवे लेकिन किसी एक उम्मीदवार दे निशान ते ज्यादा होवे ते वोट उस उम्मीदवार दे वोटां विच शामिल कीता जाएगा। एक ही उम्मीदवार दे निशान दे उत्ते एक तो ज्यादा मर्तबा मोहर लाई गई होवे या उम्मीदवार दे नां ते इंतखाबी निशान दोवां ते मोहर ला दी गई होवे। गिनती तो खारिज शुदा वोट यानी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट। ओ बैलेट पेपर शुमार विच ना लियाए जान जिन्हां दी पुश्त ते सरकारी मोर या असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर दे दस्तखत या दोनों ना होन, जिन्हां दी पुश्त या फिर सामने कोई होर लिखाई या निशान होवे, बैलेट पेपर दे नाल कोई होर कागज या कोई होर शय लगी होवे, 9 खाने वाली मोहर दा निशान ना होवे या कोई होर निशान लग्या होवे, एक तो ज्यादा इंतखाबी उम्मीदवारां दे इंतखाबी निशान ते मोहर लगी होवे। मोहर दो इंतखाबी निशाना ते इंज लगी होवे के वाजे ही ना हो सके के वोट केड़े उम्मीदवार नु कीता गया है। वोटां दी गिनती दा इनकार। वोटां दी गिनती लई कुशादा ते रोशन कमरे दा इंतखाब कीता जाए ते पोलिंग एजेंटां वगैरह नु गिनती दा अमल वेखण वास्ते मदू कीता जाए। सारे बैलेट बॉक्सिस नु एक जगह जमा कीता जाए। पहले कौमी असेंबली दे बैलेट बॉक्सिस नु खाली कीता जाए। जे कौमी असेंबली दे बैलेट बॉक्स विचों सूबाई असेंबली दा बैलेट पेपर निकले ते उन्हूं बाद विच गिनण वास्ते वखरा कर लीता जाए। इसी तरह तो सूबाई असेंबली दे बैलेट बॉक्स विचों कौमी असेंबली दा बैलेट पेपर निकले ते उन्हूं कौमी असेंबली वाले बैलेट पेपर्स विच शामिल कीता जाए। कौमी असेंबली दे सारे बैलेट पेपर्स नूं पहले एक वारी गिणिया जाए ते उन्हां दी तादाद नूं पहला सादे कागज दे उत्ते नोट कीता जाए। हर उम्मीदवार दे हक विच पाए गए दुरुस्त वोट वखरे वखरे करदे रहन ते उन्हां नूं एक वारी गिन लैन, उस तो बाद एक वारी फेर गिन लैन ताकि गलती दा कोई इम्कान न रवे। इस तो इलावा गिनती तो खारिज शुदा बैलेट पेपर्स नूं वखरा कर लैन। उम्मीदवारां दे हक विच पाए गए दुरुस्त बैलेट पेपर्स वखरे वखरे पैकेट हिक विच पाण, उस तो बाद बैलेट पेपरां नूं मुतालिका पैकेटां विच पाणा है जिन्हां दी तफसील कुछ यूं है। गिनती तो खारिज शुदा बैलेट पेपर्स पैकेट नंबर 2 विच, पैकेट 1 ते पैकेट 2 पैकेट 3 विच जाणगे ते सारे दुरुस्त टेंडर्ड वोट पैकेट 5 विच, गिनती तो खारिज शुदा टेंडर्ड वोट पैकेट 6 विच, सारे चैलेंज्ड दुरुस्त वोट पैकेट 8 विच ते गिनती तो खारिज शुदा चैलेंज्ड वोट जाणगे पैकेट 9 विच। हर उम्मीदवार दे हक विच पाए गए दुरुस्त वोट दुरुस्त टेंडर्ड वोट ते दुरुस्त चैलेंज्ड वोट दी तादाद पहले सादा कागज ते नोट कर लैन ताकि गलती दे इमकान नूं दूर कीता जा सके। गिनती दा अमल मुकम्मल होण ते मुकम्मल इत्मीनान तों बाद इन तमाम तफसीलात दा इंदराज फार्म 45 ते फार्म 46 ते मुतालिका कॉलम्स विच लिखण। ए गल याद रखना जरूरी है कि सारा अमल कौमी ते सूबाई असेंबलियां दे वोटां दी गिनती वास्ते वखरा वखरा सरंजाम देना होएगा। गिनती दे गोशवारे फॉर्म 45 ते बैलेट पेपर अकाउंट फॉर्म 46 ते पोलिंग एजेंट्स इलेक्शन एजेंट्स या मुबसरीन दे दस्तखत लीते जान जे ओ उत्थे मौजूद होवन। कौमी असेंबली दे फॉर्म 45 ते 46 दी तस्वीर लैके मोबाइल ऐप दे जरिए रिटर्निंग ऑफिसर नूं भिजवां। ऐप तो रिटर्निंग अफसरान नूं फॉर्म 45 दी तस्वीर भेजण दा तरीका कुछ यूं है।
अपने मोबाइल विच अपनी ऐप खोलो ते मुतालिका असेंबली कौमी या सूबाई ते क्लिक करन। तस्दीक वास्ते यस दे बटन ते क्लिक करन। तस्वीर लैण वास्ते कैमरे दे आइकॉन ते क्लिक करन। जरूरत दे मुताबिक साइडां तो क्रॉप यानी कटाई करन ते टिक दे निशान ते क्लिक करन। जे जरूरत होवे ते मजीद सफात भी शामिल करन या रिटर्निंग अफसरां नूं फार्म 45 मुंतकिल करन वास्ते सेंड दे बटन ते क्लिक करन। फिर फार्म 45 नूं पैकेट 16 ते फार्म 46 नूं पैकेट 17 विच पाण ते दोनों पैकेट टेंपर एविडेंट बैग विच पाण। ते एहो ही अमल सूबाई असेंबली वास्ते भी दोहराया जाएगा। सारे फॉर्म्स ते सामान नूं ECP दी हैंडबुक बराए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स विच दसे गए तरीकाकार दे मुताबिक पैक करन। गिनती दा गोशवारा फॉर्म 45 ते बैलेट पेपर अकाउंट फॉर्म 46 दी एक कॉपी टेंपर एविडेंट बैग विच सील करके इलेक्शन मटीरियल दे थैले विच रखन। टेंपर एविडेंट बैग विच फॉर्म 45 ते फॉर्म 46 दी असल कॉपी पाके सील करन ते उनू फौरन RO तक पहुंचाण। दोए फॉर्मा दी एक एक कॉपी पोलिंग स्टेशन दे बाहर नुमाया जगह ते चस्पा करन ते एक एक कॉपी अपने नाल रखन। दोए फॉर्म्स दी एक एक कॉपी टेंपर एविडेंट बैग विच सील करके मुतालिका डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर नू भेजन। दोए फॉर्म्स दी एक एक कॉपी गिनती दे दौरान मौजूद पोलिंग एजेंट्स इलेक्शन एजेंट्स या उम्मीदवारां ते मुबसरां नू फराहम करन। इलेक्शन रूल्स 2017 दे रूल 84(3) दे मुताबिक जे रिटर्निंग ऑफिसर रिजल्ट मुरतब करदे होया फॉर्म 45 विच गलती पाण ते ओ मुतालिका प्रिजाइडिंग अफसरां तों उस दी दुरुस्तगी करवाणगे। प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 दी तसहीह करणगे ते ओहदे उत्ते दस्तखत करणगे। प्रिजाइडिंग अफसर तसहीहशुदा फॉर्म 45 ते दस्तखत करके ओनू दोबारा मोबाइल ऐप दे जरिए RO नू भेजणगे। सामान दी वापसी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर नू दो तरह दा सामान वापस करनगे। कौमी असेंबली दे रिटर्निंग ऑफिसर नू बराहरास देण आले सामान जिस विच टेंपर एविडेंट बैग हिक विच सील शुदा फॉर्म 45 ते 46 बराए कौमी असेंबली कब्ज़ल वसूल पीतल दी मोर यानी ब्रास सील दा पैकेट 19 बड़ा हरा थैला ते नीला थैला शामिल हैं। सूबाई असेंबली दे रिटर्निंग अफसरां नू बराहे रास्त देण आले सामान विच टेंपर एविडेंट बैग हिक विच सील शुदा फॉर्म 45 ते 46 बराए सूबाई असेंबली ते सफेद थैला शामिल हैं। इस तों इलावा वापस कीता जाने वाले दूसरे सामान विच वोटिंग स्क्रीना ते बैलेट बॉक्स शामिल हैं। पोलिंग दे इख्तिताम ते सामान नू हल्के हरे सफेद ते नीले थैलियां विच इस तरीके दे मुताबिक पैक करन